खबर आ रही है लुधियाना तो, जिथे कि लुधियाना दे विच एक चंडीगढ़ की डॉक्टरनी पत्नी दियां तस्वीरां नित दिन नवे तो नवे मुंडे दे नाल सामने आ जांदियां सी। इस गल तो परेशान सोरा परिवारिक मैंबरां दे वल्लों इसका विरोध किया गया ते हुण उस डॉक्टर पति यानी कि पंकज वर्मा की मौत हो गई है, जिस तों बाद पता लग गया कि वह अपनी उस पत्नी यानी कि कशिश नाम की कुड़ी नूं पहला प्यार करता सी ते उसदे नाल उसने व्याह करवा लिया। अपने खर्चे ते ही उसने उसनूं वड्डी डॉक्टरनी बना दिता ते अज उह सरकारी हस्पताल चंडीगढ़ दे विच सेवावां भी निभा रही है। इस तों बाद उह होर मुंडियां दे नाल गोवा मंसूरी कदे चंडीगढ़ घूमदी फड़ी गई अते अपनी एक बच्ची नूं जन्म देण तों बाद उसने सहुरा परिवार दे कोल ही रख दिता। खबरें भी सामने आ रही ने जिस तरह के नाल इल्जाम लगे ने कि वो 8-8 महीने घर नहीं आउंदी सी अते उसकी बच्ची नू भी सोरा परिवार के वलों ही पालिया गया, पर हुण पति दी मौत तो बाद वो घर के बाहर आके धरना प्रदर्शन करन लगी अते अपनी बच्ची नू जबरन घर तो चुक के भी लै गई। ये सारे इल्जाम सोरा परिवार के वलों लगाए गए अते इस नाल वो वीडियो सामने आई जिस तरह के नाल घर का दरवाजा तोड़ के उसके वलों अपनी बच्ची नू चक लिया गया। इस डॉक्टर ने पत्नी का कहना है कि मेरी 7 साल धी नूं सोरा परिवार के वलों अंदर बंदी बना के रख्या होया है। देखो किस तरह के नाल वो तस्वीर ने जिथे कि अपने घर के बाहर वह बिस्तरा डा के बैठी हुई है। इन्ना ही नहीं उस डॉक्टरनी का पिता भी उसके नाल इतने मौजूद है। इन्हों का कहना है कि सानू घर के अंदर दाखिल नहीं होन दिता जाता, बच्ची के नाल मुलाकात नहीं करन दिती जाती, जिसके कारण असी बेहद परेशान हाँ। इतने एक नहीं सगो कई बार पुलिस मुलाजम भी आ चुके ने, पर हुण तक इन्हों का निपटारा नहीं हो पाया सी। खुद सुनो इस सारे मामले के बारे इस डॉक्टर की पत्नी का की कहना है। ननान ते जठानी इत्थे नहीं रहिंदे सी, घर वी मेरा मेरे हसबैंड दे नाते है ते ननान ते जठानी आके अंदरों लॉक ला के बैठियां होई है। पुलिस ने आके इन्नी बारी खड़काया, फीमेल पुलिस भी आई, SHO साहब भी आए, सारे आए, बट एक खोल नहीं रही दरवाज़ा। की डैथ हुई उन्होंने डैथ वीनू हुई, मैनू वीनू ने दसा गया, मैनू 21 तो किसी तो पता लग गया कि जाके मेरे हसबेंड की डैथ हो गई है। मैं ड्यूटी तो सी चंडीगढ़ 32 सैक्टर ड्यूटी करती हाँ एज ए सीनियर रेजिडेंट, गवर्नमेंट जॉब हैगी है मेरी, मैं उत्थे ड्यूटी कर रही थी। मैनू वीनू ने दसा गया, 21 जाके मैं किसी तो पता लग गया, 21 की मैं छुट्टी लीती सी कि मैं इतने आऊँगी, तो मैं जो आ रही थी तो आने तो बाद इतने मैं पता लग गया किसी तो कि भाई हसबेंड की तो पिछले दिन डैथ हो गई है। असी उतों चल पे उस टाइम तो असी जो चले हाँ असी रस्ते च जाके फोन किया कि असी पहुँच गए साहे पहुँच गए कि भी अद्धा घंटा लग जूगा। उन्होंने साड़ी वेट नहीं की तो क्रिमिशन कर दी, दिखाना सी मेरे नाल
ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਡੋਟਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੋਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਕੋ ਮਿਲੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੂਜ ਪੇ ਵੀ ਜਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਮਾਰ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਲਿਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੂਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਚ ਦੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। इस बात से इनकार नहीं करती वो उसकी माँ है, उसने उसे जन्म दिया है। क्या हुआ उसके और उसके हस्बैंड का पिछले 5-6 साल से डिस्प्यूट चल रहा है सर, वो दोनों एक साथ नहीं रह सर प्लीज। पंकज मरते हुए कह के गया था मेरी बेटी सेफ नहीं है, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਕਜ ਬੋਲੇ ਕਈ ਬੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਲਾਪਰਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਚੱਕਿਆ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਲਈ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਲਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੀਆਂ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਦੀ ਲੌਫੁਲੀ ਵੈਡਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਲੈ ਗਈ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੀ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇ ਪੁਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਈ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਚਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਆਂਦਾ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਥੀ वो शुरू से ही अपनी दादी के साथ और अपने पापा के साथ इसी घर में रहती थी तो क्या हम उस बच्ची को किडनैप करके इसी घर में रखेंगे सर मैं तो आई बुधवार को हूँ इसीलिए किया था हमें यही डर था कि वो लेकर भाग जाएगी क्यों क्योंकि हमारे मंडे की हियरिंग है हमारा कोर्ट में केस चल रहा है
हमारी मंडे को वहां पे मीटिंग होनी थी, सुनवाई होनी थी, लेकिन उसको डर था। वो शुक्रवार को ही बच्ची को ताले तोड़ के जबरन घुसी है अपने फादर के साथ, सुनील दत्त है उनका नाम, उनके साथ घुसी है, उसने ताले तोड़े हैं, धक्का मारा है, हम दोनों को हैरेस किया। सर क्यों रह रहे थे स्टेयर से? साथ वाला घर उसको दिया हुआ है, मम्मी ने खुद उसकी कीज दिया, वो वहां पे रहे आराम से, मंदिर में सोती थी सर, ऊपर वाला कमरे को लॉक करके गई है, वहां पे सो रही थी। किसने आप लोगों को बताया कि ठंड में रह रही थी? वैसे तो वो जन्म से ही हमारे साथ थी, 6 साल से वो उसका अलग रह रही हो, पंकज डॉक्टर से अलग रह रही है 6 साल से, 6 साल से पंकज के साथ उसकी कोई बोलचाल नहीं है। आती थी वो शनिवार को, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी एक बार 8 महीने में आई थी। मैंने उससे सवाल किया था, मैं कह तू 8 महीने तक अपनी बच्ची से अलग कैसे रही? कहते रहना पड़ता है, रहना पड़ता है, ये लॉकडाउन चल रहा था इसलिए। मैंने कहा चल ठीक है, चंडीगढ़ रहती है, सरकारी नौकरी है। अब देखो सरकारी नौकरी के पर आगे छुट्टी नहीं मिलती थी, वो जो मॉडरिंग वहां करी पंजाब में जाके, क्या वो उसमें उसके हॉस्पिटल के कमरे में हो रही है, वो जो वो गोवा घूम रही है, हाँ सब है, जब वो गोवा घूम रही है, जब गोवा घूम रही है किसी लड़कों के साथ, क्या वो कमरे के बीच में गोवा बना रखा है उसने, जब मंसूरी गई है तब क्या उसके कमरे के बीच, उसके सारी फोटो है उसने, नहीं चलो वो सच्ची थी, उसने क्यों फोटो अपनी डिलीट की, उसने नंबर अपना क्यों ब्लॉक किया? जब ये मेरा बेटा मरा उसे दूसरे दिन ही सारी फोटो उसने डिलीट कर दी। 2 दिन पहले दिवाली थी, 4 तारीख ने मेरा बेटा दिवाली से दिवाली तक वो यहीं थी, 3 तारीख को यहीं थी, 3 और 2 तारीख को मेरे बेटे को दौरा पड़ा था बैंक में, बैंक वाले फोर्टिस में उठा कर लेके गए, उसको फोन किया डॉक्टर ने, कशिश दत्ता भाई आप आ जाओ, आपके हस्बैंड ऐसे करके दौरा पड़ा और आप उसमें आई है रात को 6-7 बजे। उसने ऐसे करके क्यों नहीं पूछा भाई आपको क्या हुआ? सिर्फ उसने फाइलें चेक की है, जो उसकी फाइलें थी डॉक्टर की वो चेक की और देख के और वो चली गई। देखो डॉक्टर का पूछो, पूरी रात थे मिलने क्यों दिया? उसके पंकज डॉक्टर के दोस्त भी आए थे पंचकुल्ला से, उनको पूछ के देखो आप। ये 2020 वाले की फोटो दिखा दे, वो उसके साथ 2021 की दिखा दे, 21 की देखो आप, 20 की देखो, देखो आप। वो कहाँ लेके रखेगी? ड्यूटी पे जाएगी, आपको बच्ची को रखेगी? उसने वो कहा था मैं इसको हॉस्टल में डालूंगी, हम क्यों डाले हॉस्टल में? वो कहती थी मैं नौकरानी के भरोसे छोड़ूंगी, क्यों छोड़े हम नौकरानी के? वो हम मानते हैं, हमने मानना उसकी बात, हमने कहा तू साथ वाले मकान में रहे, बहू के अलग नहीं हो सकती सास से। जब देखो मैंने उसके पर भरोसा नहीं है, मैंने कहा देखो मैं इस मकान में रहूंगी जहाँ शुरू से रह रही हूँ 9 साल से, तू साथ वाले मकान में रहे, दोनों के पास आएगी जाएगी बच्ची, वो फैमिली में भी रहेगी तेरे पास भी रहेगी। तेरी माँ दा नहीं बनता, मैं शुरू तो यही कह 8 जोड़े 6 साल तक मैं उन्हें मनाया, तू आ जा अपना घर परिवार संभाल ले, मैं भी जावा हरियाणा, मेरा इतने नहीं दिल लगता सीगा, नहीं दिल लगता सी, मैं पोती नाल, पोती बेचारी स्कूल, मैं इतने कल्ली टीवी देखती रहा, मैं उन्हें कहा तू आ जा इतने अपने परिवार को संभाल ले, वो कहती मैं इस घर च नहीं आना, ना मैं इस आदमी नाल रहना, मैं भावे मैं किराए ते किधर हो रहा पर लुधियाना मैं नहीं पसंद है। दूसरी शादी करना चाहती है, आप वीडियो भी देखिए प्लीज, उसने कहा रोहित ने कहा शादी करना चाहती है, प्लीज बेटा वीडियो प्ले करो, ये तीनों वीडियो अब हमने नहीं, मैंने उससे कोशिश की है, कोशिश की 6 साल तक मैंने हाथ जोड़े, उसको पूछ लो, उसकी बुआ ने भी ये भी कहा, बुआ भी आई है, उसके बुआ ने जब भी वो भागी है घर से कम 6 बार भागी होगी, एक बार हम पिक्चर देख रहे थे सिनेमे में तो वो तब भागी है, वो हम देख रहे थे और पंकज कह रहा कहते आई नहीं अभी तो कुछ लेके परी के लिए कुछ लेने गई थी, कहते कुछ लेके आई नहीं, पंकज ने जाके देखा कहते कशिश है नहीं, वो चली गई, वो रात ने 10 बजे भागी, सुबह 4 बजे वो अम्बाला, जब भी भागी अम्बाले से मिलती, मैं 8 साल तक करती पी आगे भी कर लेंगे, हूं तो पल गई है, जो मैं डायपर धोती सी वाश बेसन के बीच उन्हें लटा के बिठा के वो डायपर धोती पोटी धोती सी, उन्हें अपने कोल सवादी सी, पेट के उपर सवा के उन्हें कट्टा दूध में उन्हें बोतल का पिला के पड़ा बड़ा किया, तो हूँ नहीं कर सकती, हूँ तो अपने जोगी हो गई है वो, हूँ तो वड्डी हो गई 8 साल। उसने कल भी मेरे को फोन किया, मैं होटल में थी, उसने फोन किया दादी मम्मा आ जाओ
आजो दादी मम्मा आजो, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं परमात्मा की कसम खा के कह रही हूँ, वाहेगुरु की कसम खा के रही, मैंने अपनी पोती को कभी जबरदस्ती रखा, मैं चाहती थी अपनी माँ का भी प्यार मिले, मेरा बेटा नहीं मिलना दिंदा सी उन्हें। जिसके साथ वो कन्फेस करती है कि मैं प्यार करती हूँ और मैं दूसरी शादी करूंगी, प्लीज आप वीडियो भी देखिए, वीडियो तीनों वीडियो प्ले करो बेटा। सर हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमारी बच्ची सेफ हाथों में नहीं। मैं एक बात और कहूंगी, शेप होए ना होए पर वो संस्कार अच्छे। कल दी है ये, हां ठीक है, हां हां ये तो करनी थी, मेरे पर घूम एरा इतना ज्यादा डिकार दिया ना, तो है कि सड़क पे नहीं नहीं, ये मम्मी ने बाहर से फोन किया था, ये यहाँ ले जाने से 10 मिनट। हाँ पता है, सड़क पे है कि वीडियो है कि सड़क पे है कि मैं तो वीडियो नहीं, ये नहीं है पेजी, अभी पंजे ने पेजी अभी पंजे ने पेजी पेजी ने पेजी क्या करता है तू, काम क्या करता है तू, बता दे कशिश कौन है ये।